जो एस्थेटिक्स अब नहीं रही है। बट आप वो तुम बंदा बोलोगे वो माल से मर गया, वो मर गया, भाई खुद को देखो, खुद भी तो माल पे हो। अब बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, इसकी बेइज्जती करेगी। काउंटिंग कर रहा है, देख रहे हो कितना। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का बढ़िया होना बहुत जरूरी है हमारी वीडियोस के लिए। तो भाई अभी चल रही है अपनी दूसरी मील चल रही है। पहली मील में कार्ब्स मील थी जिसमें रोटी खाई थी। अब ये हमारे 12-13 अंडों की भुर्जी ये खा के मैं जा रहा हूँ करोल बाग आज वर्कआउट करने कोच के साथ। तो भाई मतलब आज की ट्रेनिंग आपको चीर फाड़ दिखने वाली है। अभी तो फ़ोन से कर रहा हूँ, बाकी सारी ट्रेनिंग कैमरे से होगी ऑफ कोर्स। तो ये है अपनी मील और इसे खा के सीधा मेट्रो में बैठ के एक घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो डाइजेस्ट भी हो जाएगी इतने में और मैं वहाँ पहुँच के वर्कआउट भी कर लूँगा सीधा। तो और उसके बाद फिर अपनी एक पोस्ट वर्कआउट मील अपने साथ रख के जा रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बता रहा हूँ कि हाँ भाई अपनी मील्स पर कॉन्सेंट्रेट करो तभी गेंद आएंगे, वरना इनकी तरह पड़े रहोगे बेड पर लेके बिना कुछ खाए तो बॉडी तो नहीं बना पाओगे, बस हवाबाजी कर सकते हो। कुछ जवाब नहीं है बोलने के बस भाई। तो भाई अपना खाओ पियो ऐश करो और जिम करो, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे क्या हो रहा है, शिष्य की वेट करनी पड़ती है भाई। भाई अबे जा शिष्य की वेट, शिष्य 15 मिनट से वेट कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके और कह रहा गाड़ी में क्यों जाता है। खुद की गाड़ी 200 रुपए का सीएनजी लेती है पूरी दिल्ली घूमने में, मेरी गाड़ी 1000 रुपए का पी जाती है भाई। हाँ और मुझे कह रहा गाड़ी में क्यों नहीं आता है, मैंने कहा मैं 1000 रुपए का तेल फूक के ही देर से होता है गाड़ी में आऊँ। शर्म करो भाई, एक तो अपने घर के पास वाली जिम में लेके जा रहे हो, ऊपर से 15 मिनट लेट क्या हो गया तो बकचोदी दे रहे हो। मैं तू लेट है वो, मैं लेट नहीं हूँ, मैं आ गया था 4:25 पे। अभी कभी प्रांजल के साथ प्लान बनाओ, आधा घंटा पहले बताना उसको। भाई तुम्हें 4:25 पे आ गया था, मानता हूँ 4 बजे का टाइम दिया था तो क्या हुआ भाई। दूर से आया हूँ मैं, कम से कम 1.5 घंटे दूर से। बहुत दूर से आया भाई, और क्या 25 किलोमीटर दूर है भाई, दिल्ली में 25 किलोमीटर कितनी बड़ी बात होती है। 250 किलोमीटर और क्या, तुम्हारी तरह थोड़ी है या नोएडा नोएडा करोलबाग नोएडा करोलबाग चलता रहता है। भाई जिस दिन तूने गाड़ी पेट्रोल की ले ली उस दिन देखता हूँ तो कितना नोएडा जाएगा। अरे तब पैसा भी तो बहुत। सो गाइस जिम में आ चुके हैं और जिम में आके अब वर्कआउट करेंगे। तो आज का वर्कआउट 2 एक्सरसाइज लोअर लैट्स की और 4 एक्सरसाइज आर्म्स की और 3 एक्सरसाइज शोल्डर की। तो आज का स्प्लिट ये वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वर्कआउट को। सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज टी बार रोज कर रहे हैं। तो इसका हैक ये है कि इसमें आपको अपना क्रिसमस ट्री स्क्वीज करना है, क्रिसमस ट्री को स्क्वीज करना है। तो भाई हम हैवी वेट नहीं लगाते प्रांजल की तरह, सही होगी उतना अच्छा आपकी लोअर लैट एक्टिवेट होगी। और प्रांजल की तरह हैवी वेट नहीं लगाते, लाइट से करेंगे। ये देखो ये लाइट है। मैं तो मारता भी नहीं इतना वेट कभी। रॉनी कॉलम में वाला लाइट है, देखो ये देखो स्क्वीज, देखो कितना अच्छा हो रहा है पीछे की तरफ, चीज बहुत बढ़िया स्क्वीज स्क्वीज, देखो कितना अच्छा स्क्वीज। अभी फास्ट रेप से चीज थ्री, शाबाश, ऐसे ही मेरे शिष्य बॉडी बनाएगा। सिक्स, देखो मेरे शिष्य को, सेवन, एट, काउंटिंग कर रहा है, देख रहे हो कितने मोटिवेटेड है। नाइन, बहुत बढ़िया, एक दिन आपको प्रो कार्ड दिलवाऊंगा। एक दिन प्रो कार्ड लेंगे प्रांजल चरा। हाँ जरूर, लेट्स सी। लास्ट सेट और हैवी है, लास्ट सेट है हैवी है, अब इसे लगाते हैं देखते कितने रेप्स आते हैं। इधर इधर फोकस करना है, क्रिसमस कैसा लग रहा है? ये मेहनत की आइडेंटिफिकेशन, और कुछ तो नहीं कर रहे थे आप?
कांटों में हाथ डाला आपने, ऐसा लग रहा है। तो सेकंड एक्सरसाइज अपने केवल रोक, देखो ये वाली ग्रिप है तो सबसे बढ़िया ग्रिप लगती है मुझे ये बैक का वर्कआउट करने के लिए, बहुत अच्छा स्क्वीज मूवमेंट आता है इस पे। तो स्लोली पीछे जो पीछे लेके आना है, यानी कि जो पुश मूवमेंट है वो तेज लेके आना है, और आगे जब आए तो तब स्लो, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब फोर्स अपने आप वापस जा रही तो आपको उसको रोकना है। ऐसे बनेगी बॉडी, यही है यही है प्राण चल रहा है, यही है यही है यही है। मेरे जिम में तो आते मैगी ऑर्डर कर दी, मैगी ऑर्डर कर दी, हाँ उसके बाद जाके मैगी खाएंगे तभी तो बॉडी बनेगी, यही है यही है। बूम बूम, तो ये बैक हो गई है खत्म। अब हो रही है शोल्डर का वार्म अप, हल्का सा वार्म अप करने के बाद शोल्डर लगाएंगे बढ़िया से एकदम फिटिंग फाइन करके। तो शोल्डर का वार्म अप चालू है, शोल्डर ही करेंगे 3 एक्सरसाइज, तो करेंगे 4 एक्सरसाइज आर्म्स की, और जान बची तो 2 से 3 एक्सरसाइज फाइव। चलो भाई शुरू हो जाओ। ये वाली जो मूवमेंट है बहुत स्लो कर रही है, उसका रीज़न मतलब बहुत लाइट वेट करने को कह रही है। लाइट वेट करने का रीज़न ये कि भाई इसलिए कि हमारी रोटेशन का प्लेस है शोल्डर के, बहुत ही ऐसे मूवमेंट होगी जो कंफर्टेबल मूवमेंट है किसी बॉडी पार्ट के लिए, पर इसको ट्रेन करना भी ज़रूरी है एक अच्छे शोल्डर के लिए। तो इसे बहुत लाइट वेट में करते हैं, दिक्कत ना हो कोई इंजरी ना हो, इसलिए हमेशा लाइट वेट में करो इसे। तो मूवमेंट स्टार्ट है, रेस्ट थोड़ी ठीक कर बस। गाइस लोग बोलते हैं ये मूवमेंट अच्छी नहीं है, इसमें शोल्डर के कफ की एक्सटर्नल रोटेशन होती है, पर इससे ज़्यादा इफेक्टिव कोई नहीं है। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग ही आपको कुछ बनाएगी, ये याद रखो। स्लोली स्लो स्लो एंड स्टेप, स्लोली एंड स्टेप। कितना बेटर रहेगा, कैसा लग रहा है? फुल गई बॉडी, बिल्कुल बढ़िया मजा आ गया। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज, ओ ये देखो भाई, अब देखो अंदर से कुछ और निकल के आया इंसान, टी शर्ट में कैसा लगता है, राउंड नेल देखो भाई। बट अभी अपराइट कर रहे हैं शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज, और देख लो भाई अपराइट, क्या फोकस मूवमेंट है, मूवमेंट पे फोकस करो सारा का सारा, मतलब कमर हिलाओगे तो कोई फायदा नहीं, पूरी एक ही जगह पे मूवमेंट और वो फोकस दो नीचे बिल्कुल। लास्ट सेट है और अच्छे से पुश करने की कोशिश करेंगे, हैवी भी है सेट थोड़ा सा, तो पुश मारेंगे भाई, हैवी है। लो ट्रैप रिलीज करो सारा इंटीरियर,
लेटरल डेड पे ध्यान दो। चलो तीन और, तीन दो एक। चलो शीशे के सामने रहो। तो सेठ जी लास्ट एक्सरसाइज है ये शोल्डर की। बताओ सर एक्सरसाइज का नाम। बेंट ओवर रियर डेल्ट प्रेस। रियर डेल्ट को टारगेट करती है वाली एक्सरसाइज, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना क्योंकि तो थोड़ी मूवमेंट अलग है इसमें। रिस्ट को आपको अंदर, बॉडी स्ट्रेट। सोचो आप लेटरल रेज ही कर रहे हो बस आप बेंट हो। राउंडनेस बहुत अच्छी आ रही है जो कहो, जबरदस्त है राउंडनेस। कोई जवाब नहीं है, बस बैठना है। अपनी बारी। रेस्ट को थोड़ा अंदर ऐसे। हाँ ये चलो चलो चलो। मैगी वाली बॉडी बनानी है। मैगी वाली बॉडी बनाओगे? ऐसे ठीक है भाई, मैगी खानी पड़ेगी तभी बॉडी बनेगी आपको। पास्ता भी। तो गाइस वर्कआउट के बाद मैगी खाना मत भूलना, नहीं तो बॉडी नहीं बन पाएगी आपको। तो भाई आर्म्स शुरू हो चुकी है, वार्म अप पहला सेट हो गया। ये सेकंड सेट है आर्म्स का, प्रीचर कर्ल्स लॉक। बनाओ बनाओ बॉडी बनाओ, और तब भी इनका छोटा है, इनकी शक्ल जितना मेरा बाइसेप है। देखो ये रही प्रांजल, तेरा मेरा बाइसेप और शक्ल से बड़ा। क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? तो सिंपल एक्सरसाइज आर्म्स की भाई, रोप में हैमर कर्ल्स, रोप वाली हैमर कर्ल्स। देखो बहुत स्लोली इसमें मूवमेंट रखनी पड़ती है, मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा नीचे स्लो जाएगा ऊपर फास्ट आएगा। देखो ऊपर फास्ट नीचे स्लो, जिसमें वेट आपको ऑलरेडी पुश कर रहा है ना उसमें आप पुश करो स्लो जाने के लिए, तो बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन और बहुत अच्छी पेस बनती है। शाबाश, ये आपके आउटर बाइसेप के लिए, ये ब्राको रेडियालिस इस पार्ट के लिए। जो लोगों को ये बाहर चाहिए ये जरूर करना। So guys, ये आप देख रहे हो जो लिंडर की आइडिया। तो अभी अभी हम जिम कर रहे थे और पता लगा कि जो लिंडर भाई साहब की डेथ हो गई। भाई बहुत बुरा लगा सुन के और मूड खराब हो गया। मतलब ऐसे बॉडी बिल्डर जब भाई ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना और पूरे साल शेड रहना हर बंदे का गोल होता है, पर इसने अचीव करा हुआ। उसने अचीव करा हुआ था, पूरे टाइम श्रेडेड रहता, बट पता नहीं क्या रीजन है डेथ का, अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। जो उसके जिम के ओनर्स थे मसल फैक्ट्री वाले, उन्होंने भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया, बट लेट्स सी इतने क्या रीजन निकल के आता है। और वो कुछ एक्सीडेंट तो कंफर्म कर नहीं रहे, तो ऑब्वियसली कुछ अब बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, उसकी बेइज्जती करेगी। पर भाई तुमने उसको वो देखो कि उसने कितने एफर्ट्स करे हैं, कितना हार्डवर्क किया, वो तो सब भूल जाओगे। तो मतलब हाँ, मतलब कि आप नेगेटिव साइड में चले जाओगे, बट आप तुम बोलोगे वो माल से मर गया, वो मर गया। भाई खुद को देखो, खुद भी तो माल पे हो, कब भी मर जाओगे क्या पता, तब तुम्हारे बारे में लोग ऐसे बोलेंगे कैसा लगेगा। मतलब अब शायद अभी कुछ कंफर्म नहीं है, शायद स्टेरॉइड्स का अब्यूज किया हो या ना किया हो, क्योंकि अभी अभी उन्होंने कॉम्पिटिशन भी खेला था, तो कुछ कन्फर्म नहीं है।
बट इसके बारे में इसी व्लॉग में बताऊंगा, मैं पूरा रिसर्च करके अभी तो जिम में हूँ, अभी अभी मैंने न्यूज़ देखी जा, तो अभी तो जिम में, जिम से निकल के देखते हैं क्या सीन है। जो एस्थेटिक्स के नाम पे एक सेट करते हैं आर्म्स का, अब आर्म्स की थर्ड एक्सरसाइज है बाबा कल्स, बाबा कल्स वाइड ग्रिप, बहुत लाइट वेट, वाइड ग्रिप, वाइड ग्रिप। बहुत बढ़िया, तो भाई वाइड पावर कर्ल्स स्लोली और मैक्स रेप्स के साथ, जितने रेप्स लगा सकते हो, फुल स्ट्रेच आगे, ये आपके पीक के लिए, ये देखो इधर फोकस करो, एल्बो आगे, पंद्रह तो भाई पूरा वर्कआउट हो गया खत्म, और वर्कआउट के बाद अब चल रहे कार्डियो, कार्डियो बनने वो जो कैलोरीज खाई है उसको यूटिलाइज करें, फिर और खाएंगे कैलोरीज, तो कार्डियो करते हैं। और कार्डियो में क्या है, कुछ नहीं भाई, 20 मिनट्स मैक्स इंक्लाइन वॉक करेंगे हम, तो चलो चलते हैं इंक्लाइन वॉक करते हैं, चलते हैं फिर खाना खाते हैं और इसके बाद मिलते हैं आपसे मील के टाइम पे। यस हाँ जी, तो गाइस घर आ गए थे और घर आके अब छोटी सी बात करनी थी, वर्कआउट आप लोगों ने देखा, वर्कआउट आज बहुत ही अच्छा हुआ, बट साथ ही साथ एक न्यूज़ भी मिली कि भाई जो एस्थेटिक्स अब नहीं रही है, व्लॉग दो दिन लेट आ रहा है, मतलब जो एस्थेटिक्स की डेथ, आई थिंक सो हम फर्स्ट को वर्कआउट कर रहे थे या सेकंड को वर्कआउट कर रहे थे उस दिन हुई है, तो सब लोग कह रहे, मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पर भी देख लिया है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल, सबसे पहले तो भाई ये चीज़ है कि भाई बहुत बुरा लगा कि भाई किसी ऐसे बॉडी बिल्डर, किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर की डेथ हो गई, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का हार्डकोर पर्सन था, हार्ड वर्किंग पर्सन था, उसकी डेथ हो गई, तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, पर ये एक नेचुरल कॉज था, सब लोगों को पता है बीमारी थी बहुत टाइम से उन्हें कुछ, और उस वजह से उन्हें वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जहाँ तक अभी तक पता है, अभी तक कोई जो न्यूज़ आई है, उनको नेक में कोई पेन था, वो डिजीज़ थी जिसको, जिस चीज़ को उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स रफ़ एंड टफ़ होते हैं, आप लोगों को पता है कि हमारे गर्दन में, पीठ में, लोअर बैक में, पैरों में दर्द रहता है, स्टिफनेस रहता है, तो उन्होंने वही गलती करी, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें, उन्हें जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो हुई, उस चीज़ का तो देखो यार हम कुछ कर नहीं सकते, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि यार प्लीज़ यूट्यूब पे गंद मत फैलाना कि फिर से एक बॉडी बिल्डर मर गया ओवरडोजिंग की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, ये लेने की वजह से, वो लेने की वजह से, माल ठोकता था, ये होता था, नहीं यार उसका हार्डवर्क देखना, वो बंदा पूरे साल श्रेडेड रहता था, पूरे साल वो मेहनत करता था, हर वक्त अपनी डाइट के लिए कॉन्शियस, प्रो कार्ड के इतना करीब था वो, उसने उन्होंने लास्ट टाइम जब खेला था तो बस प्रो कार्ड के इतने से करीब थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, पूरे टाइम लीन रहना, मतलब पूरे टाइम कोई ओवर अब्यूज़ नहीं ड्रग्स का, कोई अब्यूज़ नहीं करते थे, जहाँ तक उनकी गर्लफ्रेंड ने बोला है, उनकी गर्लफ्रेंड्स की कुछ स्टेटमेंट्स आउट हुई हैं उस हिसाब से, भाई सब लोगों ने देख चुके हैं, न्यूज़ सब में पहुँच चुके हैं, मेरा आपको ये न्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है, मैं न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ आपको, बस एक छोटी सी मैन टू मैन वाली ये वाली टॉक है कि भाई प्लीज़ मतलब इस फील्ड को ना गंदा मत करना, क्योंकि ये पहले से ही बहुत लोग कचरा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कचरा करते हैं, पर किसी की डेथ को आप ऐसे कर दोगे ना कि हाँ ये तो माल ठोक के मरा है, कोई ऐसे मरा, नहीं यार उसका स्ट्रगल देखो, उसका उसने उसका हार्डवर्क देखो, वो अपने छाप छोड़ के गए इस इंडस्ट्री में, उनकी जैसे फिजिक बहुत कम लोगों पर होती थी, और पूरे साल इतने डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल होता, तो हमें उनकी उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना कि उन्हें अब्यूज़ करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि ये तो भाई माल ठोकता था, ये करता था, वो करता था, नहीं नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि रिस्पेक्ट शो करें, और सब लोग रेस्ट इन पीस लिख दो यार कमेंट्स में, और मुझे पता है ये सिर्फ बोलने वाली बात है, बट रेस्ट इन पीस से कुछ होता तो है नहीं, क्या पता होता भी हो, हम अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना क्यों छोड़े, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, अब सब लोग स्टोरीज लगा रहे थे, नहीं यार
स्टोरी लगाना चलो अच्छी बात है किसी को आप बोल, मैंने कोई स्टोरी नहीं लगाई यार। रीज़न ये है कि भाई कोई डेथ हुई ना तो उसकी उसकी लाइफ में जो गलती करी ना उसने, उससे वो सीखो, और जो उसने हार्डवर्क किया उससे तो सीखो ही सीखो, समझ रहे हो? जो उन्होंने गलती करी उससे सीखो कि यार कभी भी आपको लाइफ में कोई ऐसा लगे ना कि हाँ यार पेन हो रहा है, पिंच हो रहा है, कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो यार जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। आपको नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी छोटी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर नहीं हो। और किसी गली छाप डॉक्टर पर मत जाना, किसी अच्छे डॉक्टर पर जाना जो थोड़े से पैसे खर्च होंगे कर लेना। आपको ये फेज नहीं देखना पड़ेगा कम से कम अपनी लाइफ में। Nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us all how you actually feel. If you do then they'll cut you right at the heel and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby you can really try if you climb your way up. Do it on your own when you're shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Get burned, they say. You should never roll all the dice.